हेलो फेलो यूनिट्स, मेरा नाम है यश वर्धा और आज कॉलेज रिव्यू इंटरव्यू में हम इंटरव्यू लेने वाले हैं नूतन मेडिकल कॉलेज रिसर्च सेंटर विसनगर का, जो मेरी खुद की कॉलेज है। और आज हम इंटरव्यू लेने वाले हैं मिस्टर भार्गव चिराग कुमार देसाई का, जो अभी पढ़ रहे हैं फाइनल ईयर MBBS में। हाय भार्गव, हाउ आर यू? हाय यश। हाय, वी विल स्टार्ट विथ योर इंटरव्यू विथ एक्सपेंडिचर सेशन। तो हमें बताइए आपकी कॉलेज की टोटल फीस क्या है? हमारी कॉलेज की टोटल फीस गवर्नमेंट कोटा के लिए है 7,85,000 और हमारी मैनेजमेंट कोटा की फी है 15,00,000 पर ईयर। और आपकी यूनिवर्सिटी की एग्जाम फीस क्या है? हमारी यूनिवर्सिटी एग्जाम फीस है 10,000 पर ईयर। अदर एक्स्ट्रा कोई फीस लाइक वाईफाई का चार्ज या लाइब्रेरी का चार्ज ऐसा कुछ है? वो हमारे फर्स्ट ईयर में स्टार्टिंग में 1,000 लेते हैं। आपकी हॉस्टल की फीस क्या है? हमारी हॉस्टल की फीस है नॉन एसी का 60,000 पर ईयर और एसी का 18,000 पर ईयर। 60,000 और 80,000। आपकी मेस की फीस क्या है? हमारी मेस की फीस है 4,000 पर मंथ। अब बात करते हैं एजुकेशन सेक्शन की, तो आपकी कॉलेज में, मतलब हमारी कॉलेज में एग्जाम फ्रीक्वेंसी कैसी है? हमारे कॉलेज में एग्जाम फ्रीक्वेंसी ईयर वाइज डिफरेंट है। उसमें फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी में जैसे ही पार्ट कम्प्लीशन होता है वैसे ही टेस्ट होती है, लाइक जनरल एनाटॉमी, अपर लिम, लोअर लिम, और फिजियोलॉजी में जैसे ही सिस्टम कम्प्लीट होती है वैसे होता है। बायोकेमिस्ट्री में जैसे जनरल बायोकेमिस्ट्री, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, ऐसे लार्ज सेक्शन खत्म होने पर टेस्ट होती है। इन सेकंड ईयर अब इन पैथोलॉजी, लाइक जनरल पैथोलॉजी के खत्म होने के बाद टेस्ट होती है। और थर्ड ईयर में BSM में सभी चैप्टर्स वाइज होती है। और फाइनल ईयर में एग्जाम फ्रीक्वेंसी कम होती है लेकिन इंटरनल में सब कवर हो जाता है। और अवार्ड एंडिंग भी होती है। और फाइनल ईयर में क्लिनिकल सब्जेक्ट्स में अप टू 4 ईयर अवार्ड एंडिंग होती है। अब आप हमारे यहाँ पर कोर्स कम्प्लीशन कैसे होता है वो बताइए? हमारे यहाँ कोर्स कम्प्लीशन टाइम पे ही होता है। हमारी यूनिवर्सिटी में जो कॉलेज है उसका सिलेबस गुजरात में सभी कॉलेज से पहले खत्म हो जाता है। और हमारी जो अभी की फोर्थ ईयर की बैच है वो अभी गुजरात में सबसे पहले है। अब हमारे प्रोफेसर्स के बारे में बताइए। हमारे प्रोफेसर बहुत ही स्टूडेंट फ्रेंडली है, जैसे एसोसिएट प्रोफेसर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, उनसे हम डाउट पूछते हैं तो वो आंसर देते हैं, ऐसा नहीं है कि वो आंसर नहीं देते। और फाइनल ईयर में भी सभी क्लिनिकल के, लाइक मेडिसिन, सर्जरी, पेडियो ऑप्स, सभी के प्रोफेसर को हम जितना भी डाउट पूछे उतना जवाब देते हैं। अब हमारी कॉलेज की ओवरऑल स्ट्रिक्टनेस और डिसिप्लिन के बारे में बताइए। हमारी कॉलेज की स्ट्रिक्टनेस ज्यादा है, जैसे ही हमारे यहाँ एंटी रैगिंग कमेटी भी है और हमारी कॉलेज थोड़ी अगर SFI की कंपैरिजन में स्ट्रिक्ट भी है। और अटेंडेंस का भी होती है? हमारी कॉलेज में अटेंडेंस में सबसे स्ट्रिक्ट होता है। अगर आपके पास 75% अटेंडेंस नहीं है तो आपको यूनिवर्सिटी के पहले, मतलब कि प्रीलिम के बाद एक्स्ट्रा क्लासेस पढ़ने पड़ेंगे। और अब हमारी कॉलेज किस यूनिवर्सिटी में आती है ये बताइए? हमारी कॉलेज आती है साकरचंद पटेल यूनिवर्सिटी में। और अब ईयर वाइज सारे सब्जेक्ट्स का प्रैक्टिकल का शेड्यूल किस तरीके से है वो डिटेल में बताइए। इन फर्स्ट ईयर एनाटॉमी में प्रैक्टिकल का शेड्यूल है, सुबह को थियरी लेक्चर लेते हैं और दोपहर को डिसेक्शन होता है। इन फिजियोलॉजी, हीमेटोलॉजी एंड क्लिनिकल लेबोरेटरी में प्रैक्टिकल होता है। और बायोकेमिस्ट्री में क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में प्रैक्टिकल होता है। पैथोलॉजी में 3 पार्ट पड़ते हैं, हीमेटोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी। इन फार्मेकोलॉजी वो दो पार्ट पड़ते हैं, उसमें से क्लिनिकल फार्मेसी और क्लिनिकल फार्मेकोलॉजी का पार्ट पड़ता है। माइक्रोबायोलॉजी में स्टेनिंग होता है और BSM में थ्योरी टॉपिक्स जो बाकी है वो कवर होते हैं। फोरेंसिक मेडिसिन में प्रैक्टिकल में टॉक्सिकोलॉजी पार्ट कवर होता है और जो भी सारे क्लिनिकल सब्जेक्ट्स है उसका प्रैक्टिकल वार्ड में ही कवर होता है। अब डिसेक्शन का थोड़ा डिटेल बताइए क्योंकि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट ज्यादा देखने वाले हैं। हमारे यहाँ एनाटॉमी में डिसेक्शन में बॉडी प्रोवाइड की जाती है 30 पर 30 स्टूडेंट्स, मतलब कि 30 लोगों के पास एक डिसेक्शन बॉडी होती है और वहाँ पे एक एसोसिएट या असिस्टेंट प्रोफेसर होता है वो उनको गाइड करता है और बच्चे डिसेक्ट करते हैं। अब हमारी कंप्यूटर लैब के बारे में। लैब में 150 कंप्यूटर्स है विथ वाईफाई फैसिलिटी। और अब हमारी लाइब्रेरी और जो दो अलग अलग रीडिंग रूम है उसके बारे में टाइमिंग्स के साथ डिटेल में बताइए। हमारे यहाँ जो रीडिंग रूम है वो सुबह 9 से 5 बजे तक फैसिलिटी है, उसमें 600 स्टूडेंट बैठ सकते हैं। और उसके अलावा एक अलग लाइब्रेरी है जिसमें स्टूडेंट सुबह 9 से
जिसमें स्टूडेंट में टाइमिंग थोड़ा डिफरेंट है, जिसमें बॉयज सुबह 9 से रात को 1 बजे तक बैठ सकते हैं और गर्ल्स सुबह 9 से शाम को 9 बजे तक बैठ सकती है। अब हमारा एडमिन डिपार्टमेंट कैसा है वो जरा। हमारा एडमिन डिपार्टमेंट बहुत ही स्टूडेंट फ्रेंडली है, वो गवर्नमेंट की सारी स्कीम को हमें पहले से ही व्हाट्सएप में या पर्सनल इन्फॉर्म करके बता देता है। और अब हमारे अलग अलग चार लेक्चर हॉल के बारे में डिटेल में बताइए। हमारा फर्स्ट ईयर का जो लेक्चर हॉल है वो ग्राउंड फ्लोर पे है, हमारा जो सेकंड ईयर का लेक्चर हॉल है वो सेकंड फ्लोर पे न्यू बिल्डिंग पे है, हमारा थर्ड ईयर का लेक्चर हॉल है वो थर्ड फ्लोर ओल्ड बिल्डिंग पे है, और हमारा फाइनल ईयर का लेक्चर हॉल है सेकंड फ्लोर न्यू बिल्डिंग पे। ओवरऑल चार लेक्चर हॉल है चारों ईयर के लिए अलग अलग। अब हमारे यहाँ पर पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग जो हुई थी उसके बारे में बताएं। हमारे यहाँ जब बिफोर कोविड 2020 में एक पेरेंट्स मीटिंग हुई थी जब हम फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे थे, इन फर्स्ट ईयर जब हमारी फर्स्ट इंटरनल खत्म हुई थी उसके बाद हमारी पेरेंट्स टीचर मीटिंग हुई थी, जिसमें डीन से लेके सभी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और पेरेंट्स ने इंटरेक्शन किया था। और एडकॉम मॉड्यूल और अर्ली क्लिनिकल एक्सपोजर के बारे में बताएं। ये एडकॉम और अर्ली क्लिनिकल एक्सपोजर है वो 2019 की बैच से ही अप्लाई हुआ है, जिसमें स्टूडेंट को फर्स्ट ईयर से ही धीरे धीरे हॉस्पिटल का एक्सपोजर मिलता है और अलग अलग डिपार्टमेंट के बारे में जानने को मिलता है। करते हैं हॉस्टल सेक्शन की, तो रूम शेयरिंग और एसी नॉन एसी का अलग से बताइए। हमारा रूम शेयरिंग में दो स्टूडेंट के बीच में एक रूम है जिसमें एसी नॉन एसी की फैसिलिटीज है। ओके, और टॉयलेट अटैच। ओवरऑल क्लीनलीनेस और हाइजीन हॉस्टल में बेटर मेंटेन होता है, एवरी टू डे स्वीपर और सभी आते हैं, टॉयलेट भी साफ करते हैं और रूम भी साफ करते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी और वाटर का कोई इश्यू है? वाटर का इश्यू नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा इश्यू है लेकिन वो जनरेटर डाल रहे हैं। ओके, अब वाईफाई के बारे में। वाईफाई हमारे हॉस्टल में भी है और कॉलेज में भी उपलब्ध है। अब हमें सारे प्लेग्राउंड्स के बारे में डिटेल में बताइए। हमारे यहाँ क्रिकेट का प्लेग्राउंड है जो जिसमें हर साल इंटर यूनिवर्सिटी और नॉर्थ गुजरात का इवेंट्स होता है, फिर बास्केटबॉल ग्राउंड है, वॉलीबॉल ग्राउंड है, फुटबॉल ग्राउंड है और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी है जहाँ पे हम इंडोर गेम्स खेल सकते हैं। हमें कैंपस के बारे में डिटेल में बताइए। जैसे ही हम कैंपस में एंटर होते हैं वैसे ही लेफ्ट साइड पे इंजीनियरिंग कॉलेज है और थोड़ा ही आगे जाते नूतन ग्लोबल स्कूल है और उससे आगे जाते फिर लेफ्ट साइड पे डेंटल कॉलेज है और राइट साइड पे पीजी का हॉस्टल है और हमारी जो कॉलेज है उसका तीन बिल्डिंग है एबीसी और हमारी जो हॉस्टल है वो गुजरात की बेस्ट हॉस्टल है। कॉलेज का ओवरऑल एनवायरनमेंट कैसा है? हमारे कॉलेज का जो यूनिवर्सिटी है वो ग्रीन कैंपस है जिसमें हरियाली है और स्टूडेंट के बीच में भी पॉजिटिव एनवायरनमेंट है। अब सिक्योरिटी के बारे में। हमारी जो यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी है उसमें जो सिक्योरिटी गार्ड है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है, अगर हमें बाहर जाना होता है तो हमें एंट्री करके जाना है, अगर हमें घर जाना है तो हमें रेक्टर के पास से गेट पास लेके जाना पड़ता है और हर जगह पूरा कैंपस सीसीटीवी से कवर्ड है। अब बात करते हैं मेस सेक्शन की, तो फूड कितनी बार मिलता है, हाइजीन कैसी है और क्वालिटी क्वांटिटी के बारे में डिटेल में बताइए। हमारे यहाँ चार बार फूड मिलता है और हाइजीन मेनू और क्वालिटी क्वांटिटी वाइज अच्छे हैं, हम सीनियर भी मेनू बनाते हैं और हमारे यहाँ कैंटीन दो है, एक हमारे हॉस्पिटल की है और दूसरी भोलेनाथ कैंटीन। अब बात करते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की, तो हमारे यहाँ के सेमिनार्स के बारे में बताइए। हमारे यहाँ हर ईयर में सेमिनार होते हैं, फर्स्ट ईयर में फिजियोलॉजी एनेट बायोकेम और हमारे फाइनल ईयर में भी होते हैं। अभी अभी मैंने माइक्रोबायोलॉजी में हॉस्पिटल प्रिवेंशन कंट्रोल को 28 अप्रैल को पार्ट लिया था। बात करते हैं स्पोर्ट्स की, तो स्पोर्ट्स वीक जो दो होते हैं उसके बारे में। हमारे यहाँ स्पोर्ट्स वीक होते हैं उसमें से हमारे इंटर कॉलेज होते हैं, फिर इंटर यूनिवर्सिटी होते हैं और यूनिवर्सिटी में सभी कॉलेज के बीच होते हैं और हमारे यहाँ नॉर्थ गुजरात स्पोर्ट्स सेलिब्रेशन वीक होता है जिसका नाम फिएस्टा है। अब फ्रेशर्स के बारे में। हमारे यहाँ हर साल फ्रेशर होती है, अभी जो हुई थी उसका नाम साइन अप 3.0 है, उसी में हम अभी गए थे। और डे सेलिब्रेशन और उस सेलिब्रेशन वीक के बारे में। हमारे यहाँ डे सेलिब्रेशन का पूरा वीक होता है जिसमें हम ग्रुप डे, कलर डे, मिसमेट डे सभी का सेलिब्रेशन करते हैं। अब हमारे यहाँ पे जो रिसर्च होता है आईसीएमआर वगैरह का उसके बारे में। हमारे यहाँ आईसीएमआर का डिटेल रिसर्च होता है डिफरेंट में, जिसमें बीएसएम है, मेडिसिन है, माइक्रोबायोलॉजी है, उसमें कई स्टूडेंट पार्ट लेते हैं जिनको यूएसएमएल जाना होता है। अब
बात करते हैं हमारी नूतन जनरल हॉस्पिटल की, तो वो गवर्नमेंट की है या ट्रस्ट की है? हमारे नूतन जनरल हॉस्पिटल है वो नूतन ट्रस्ट की है। ओके, और पेशेंट फ्लो कैसा है? पेशेंट फ्लो अच्छा है, हमारे यहाँ 750 बेड की हॉस्पिटल है, और मेडिसिन और गायनेक और ऑर्थो इन तीनों डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा पेशेंट फ्लो। और सीटी स्कैन एमआरआई की व्यवस्था? हमारे यहाँ रेडियोलॉजी में उपलब्ध सुविधाओं में से एक्सरे, सीटी स्कैन और यूएसजी है, एमआरआई पूरे विश्व में नहीं होता। पोस्टमार्टम भी नहीं है? पोस्टमार्टम ऑटोप्सी हमारे यहाँ नहीं है। अब बात करते हैं विसनगर के सिटी एरिया की, तो हमारी कैंपस किस जगह पे सिचुएटेड है वो बताइए। हमारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी कैंपस सिचुएटेड है गांधीनगर अंबाजी हाईवे पे। और जो अदर स्टोर स्टेशनरी रेस्टोरेंट है उसके बारे में? हमारे यहाँ पास ही में स्टेशनरी मिल जाता है, मतलब की कुछ बुक्स या पेन वगैरह लेना हो तो आप ले सकते हो। और हमारे यहाँ रेस्टोरेंट जैसे की पिज्जा, पाव भाजी, डोसा सभी आसपास की है। ओवरऑल ट्रांसपोर्ट की बात करें तो कॉलेज के द्वारा कौन सा ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है, और इन जनरल जो गुजरात भर में से विसनगर का कनेक्शन है वो किस तरीके से, मतलब कि जो अहमदाबाद, गांधीनगर और मेहसाणा के है उनको ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड किया जाता है, और बाकी के स्टूडेंट जीएसआरटीसी के माध्यम से या फिर ट्रेन के माध्यम से आ सकते हैं। विसनगर सिटी के ओवरऑल सेफ्टी के बारे में बताएं। विसनगर की ओवरऑल सेफ्टी अच्छी है, यहाँ पे कोई भी प्रकार का न्यूसेंस और वायलेंस नहीं है। और एंटी रेगिंग कमेटी के बारे में डिटेल में बताइए। एंटी रेगिंग कमेटी में ये महाशय खुद ही है, जो हमारी रेगिंग कमेटी बहुत ही स्ट्रिक्ट है, और यहाँ पे रेगिंग जैसा इश्यू ही नहीं है किसी भी बेच। और लास्ट में आप स्पेशल मैसेज देना चाहें स्टूडेंट्स को या फिर पेरेंट्स को जो भी एडमिशन प्रोसेस के थ्रू जाने वाले हैं, तो आप दे सकते हैं? अगर आप एडमिशन प्रोसेस के थ्रू जाने वाले हैं और अगर आपको सेल्फ फाइनेंस ही लेना पड़ रहा है, और उस सेल्फ फाइनेंस में अगर आपको विसनगर, जाइडस, नडियाद, अमरेली और एमकेशा मिल रही है, तो मैं कहूंगा आप नूतन को प्रीफर कर सकते हैं। भार्गव फॉर गिविंग अस इंटरव्यू, थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम।